124,000 जो पैगंबर दुनिया में आए भाई, ये जो कोई हदीस में नहीं है 124,000, ये ऐसे ही कहा जाता है कि अंदाज़ा है कुछ लोगों का। उनकी कब्रें कहाँ हैं? ज़्यादातर कब्रें जो अम्बिया की हैं ना, वो फ़िलिस्तीन में है, शाम में। सबसे ज़्यादा अम्बिया की कब्रें बैतुल मक़दिस में हैं, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा पैगंबर आए हैं शाम। तभी शाम में फ़िलिस्तीन भी आता है, अब मौजूदा शाम में तो नहीं आ रहा, लेकिन जो नबी के दौर का शाम था उसमें फ़िलिस्तीन भी था। तो अल्लाह ने उस जगह को बरकत वाली जगह कहा है। बाकी हमारे नबी के बारे में तो यकीन है कि यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है, बाकी किसी और पैगंबर की कब्र को अल्लाह ने इस तरह से महफूज नहीं किया। अंदाजे हैं, हम ताशकंद गए थे, वहाँ दाऊद अलैहिस्सलाम की कब्र की बड़ी शोहरत थी, तो वहाँ यहूदियों का बड़ा रश था कि यहाँ दाऊद अलैहिस्सलाम की कब्र है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और बैतुल मक़दिस में मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कब्रों का कहा जाता है कि यहाँ उन पर बने हुए नाम भी लिखे हुए, लेकिन यकीनी नहीं है। यकीनी सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है।